राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर। राहुल गांधी ने सबसे पहले बेणेश्वर धाम मंदिर में किए दर्शन। बेणेश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने से उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके बाद बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करके पीएम पर उन्होंने जमकर आरोप लगाए। कहा, कांग्रेस पार्टी जनता को न्याय देना चाहती है। 5 साल तक भाजपा ने जनता का नुकसान किया। मोदी जी ने सबसे वायदा किया 15 लाख रुपए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन 15 से 20 अमीर लोग सरकार चला रहे हैं। कर्जा माफ करने की भी कही बात कही थी। कांग्रेस गरीबों को हर माह 6,000 रुपए देगी। 2019 के बाद में सरकार आपकी होगी। कर्जा माफ किसने किया? आपका कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। यहां पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था। मैंने साफ बोला, देखिए कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूं, अनिल अंबानी की जेब से आएगा। चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी